See, as you said कि इतना exciting है the promo, the caption, the name, everything. So we were equally excited as you guys are after seeing everything. So it's like when I've heard the story. First of all, it's a finite series, right? So there is no dragging element in this. That हमें beginning में पता है कि okay, this is the thing. यहाँ से हमें शुरू करना है. उसके बाद क्या होगा हमें नहीं पता. ऐसा नहीं है. We know our characters and the story start to end. And जितनी beautifully सी जब आपको कुछ limited time के लिए करना होता है ना, so आप of course कुछ अच्छा ही करोगे क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है. सो जब ऐसा चैलेंज हो तो ऑफ कोर्स कैरेक्टर बहुत खूबसूरती से लिखे जाते हैं और स्टोरी जो होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है. मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि सबसे प्लस पॉइंट इसमें यह है कि ये एक फाइनाइट सीरीज़ है, तो इसमें हम हर एक्टर को ना अपना स्टार्ट टू एंड अपना एक ग्राफ पता है कि कहाँ से स्टार्ट कर रहा है और कहाँ जा रहा है, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़. मैं नॉर्मली डेली शॉप में क्या होता है कि स्टार्ट तो कर दिया आपने लेकिन नहीं पता कभी आज यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो वो एक चीज़ है. प्लस हाँ स्टोरी और जिस तरह से कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टराइजेशन है, स्टोरी है, स्टार प्लस है. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने एकदम से कैच कर लिया उसको. अनी ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बता सकता. अब वो किसकी डेथ होती है नहीं होती है, कौन लौट के आता है नहीं आता है, वो आपको बाद में पता चलेगा. लेकिन ये है कि हाँ सबको बहुत मज़ा आने वाला है. हर एक एक्टर में आपको हर एक शेड नज़र आने वाला है, चाहे वो रोमांस का हो, अग्रेशन का हो, हल्का सा एजी हो, जो भी हो ग्रे शेड है, हर नज़र आने वाला है. और रोमांस तो भर भर के है इसमें, और वो भी इंटेंस पैशनेट रोमांस है, तो डेफिनेटली. सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि ये बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर है और इसका मुझे कोई रेफरेंस नहीं दिया गया कि गीतांजलि ना उस मूवी की उस कैरेक्टर जैसी है या ऐसी है या वैसी है. सो ऑफकोर्स गीतांजलि जैसी भी होगी मुझे ही पोर्ट्रे करना है, बट इतना खूबसूरती से लिखा गया है दैट पीपल डेफिनेटली इस कैरेक्टर का रेफरेंस देंगे कि गीतांजलि जैसा कैरेक्टर हमें करना है, बिकॉज इट्स गोना बी सो डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. I hope so because we are working towards it. देखिए क्या होता है कि एज एन एक्टर बहुत ज़रूरी होता है कि आपका जो को एक्टर है वो कितना कोऑपरेटिव है, और जिस तरह से इस शो में हमारे सीन्स हैं, रोमांस है, इंटेंस लव स्टोरी है. सो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा बहुत नर्वस था, कॉन्शियस था, क्योंकि जिस तरह से संतराम सर की कोरियोग्राफी है तो इसमें इससे सुरभि से हर बार जाके बोलता था कि सुरभि ठीक होना कहीं लगा तो नहीं ना, तो बोलते नहीं नो बिंदास. तो इस वजह से इसलिए ना मैं बहुत मतलब शुक्र रिलैक्स टू शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे को स्टार मुझे बहुत कोऑपरेटिव मिली है. तो बिंदास खुलती काम और केमिस्ट्री हम लोगों की कैसी होने वाली है वो तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि हमारी केमिस्ट्री आपको कैसी लगेगी 25 फेब के बाद. एब्सोल्युटली, यू नो, बिकॉज ही इज़ वेरी नाइव. आई मीन मुझे भी ऐसा लगता था दैट व्हाई आर यू कमिंग आफ्टर एवरी शो एंड आस्किंग मी आर यू ओके, बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि यू नो कर्टिसी से एक्चुअली यूज टू आस्क कि कुछ लगा एंड ऑल. मैं कहा सी लिसन, वी हैव टू डू इट एंड वी हैव टू डू इट एज इफ देर इज़ नो टुमारो, एंड ऐसा करना कि कोई हमसे बेहतर नहीं कर पाएगा. बट द पॉइंट इज इज सच अ जेंटलमैन, मतलब चाहे वो ऑफ स्क्रीन बात हो चाहे वो ऑन स्क्रीन बात हो, हर जगह ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही रियली टेक्स केयर ऑफ मी. और ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब जब आपका को एक्टर के साथ एक अच्छा रैपो हो जाए ना, फिर काम काम नहीं लगता, फिर ऐसा लगता है इट्स फन, लेट्स जस्ट डू इट, अभी मज़ा आएगा. तो वही हो रहा है इस शो में. ऑल ऑफ देम, यू नो, निवेदिता जी हैं, देन नीता वशिष जी हैं, एवरीवन. सो या बहुत ही, बिकॉज कैरेक्टर इतने बढ़िया हैं कि अच्छे अच्छे एक्टर्स चाहिए ही थे. हमेशा सीनियर एक्टर्स का काम करने में ना हमेशा बहुत मज़ा आता है और कुछ सीखने मिलता है, और हमारे शो में तो सभी अच्छी कास्ट है, तो शो के दौरान ऑफ स्क्रीन हम हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते थे, बात करते रहते थे, यू नो, तो है टोटल फन है बेसिकली. सेट पे तो अलग ही, बिल्कुल उससे डिफरेंट ही, सेट पे तो कॉमेडी है, बहुत ज्यादा कॉमेडी है. या सेट पे तो बहुत मजा आता है करने में. नहीं, ऑफकोर्स कैरेक्टर काम करेगा बिकॉज इट्स ब्यूटीफुली रिटन, बट मेरे ऊपर भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इसे अच्छे से प्ले करना है. एंड लोग तभी कनेक्ट कर पाते हैं किसी कैरेक्टर से जब उसके साथ वो रिलेट कर पाएँ. तो गीतांजलि के साथ तो आप सब रिलेट कर पाएंगे, कुछ भी ऐसा वो आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं कर रही है, वही कर रही है जो सबके साथ होता है, जो सबकी लाइफ में होता है और जो सब करते हैं. सो दैट्स वाई इट्स वेरी रिलेटेबल, सो यू गाइज विल लव इट. सो व्हाट अबाउट यू?
सेम सेम मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि बेसिकली एक कैरेक्टर से रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, और जो हम दोनों के कैरेक्टर्स हैं, अभिमन्यु का है, गीतांजलि का है, इस शो के बाद लोग इस कैरेक्टर्स के एग्जांपल्स देंगे। मैं ग्लिट्स विजन के सभी सब्सक्राइबर्स को यही बोलना चाहूंगी दैट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड प्लीज कीप लविंग अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।